हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी की इस नई दुनिया में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं खेती में इस्तेमाल होने वाली कुछ जबरदस्त मशीनों के बारे में, जिनके काम को देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ये है राउंड बेलर। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल चारे की राउंड बेल्स बनाने के लिए किया जाता है। इस मशीन को ट्रैक्टर से अटैच करके चलाया जाता है और इस मशीन को चारे के ऊपर चलाया जाता है, जिससे ये मशीन जमीन पर पड़े चारे को अंदर खींचकर उसे इकट्ठा करते जाती है और उन्हें राउंड शेप में लपेटती जाती है और थोड़े समय बाद उनकी बेल्स बनाकर उन्हें जमीन पर छोड़ देती है। इस तरह की बेल्स बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा चारे को कम साइज में इकट्ठा करके रखा जा सकता है। यह है टेनको 1320। यह भी एक कमाल की मशीन है, जो कि चारे की बेल्स को प्लास्टिक फिल्म में रैप करने का काम करती है। ये मशीन सबसे पहले एक राउंड बेल को उठाती है और उसे गोल गोल घुमाते हुए चारों तरफ से प्लास्टिक फिल्म में रैप करते जाती है और अच्छी तरह से रैप करने के बाद इस मशीन में लगे ब्लेड से इस प्लास्टिक फिल्म को काट दिया जाता है और फिर इसे ज़मीन पर छोड़ दिया जाता है। इस तरह की प्लास्टिक फिल्म से रैप किए हुए चारे की बेल्स को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इन बेल्स को खोलकर पशुओं को दिया जा सकता है। ये है बेड फॉर्मिंग। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल खेतों में मिट्टी के बेड बनाने के लिए किया जाता है। ये मशीन जमीन में एक उभरी हुई सतह का निर्माण करती है। इस मशीन में पीछे की तरफ चार रोलर लगे हैं, जो कि मिट्टी को एक उभरी हुई शेप में जमाते जाते हैं। इस तरह से तैयार किए गए इन मिट्टी के बेड के बीच में फसल को बोया जाता है। इस तरह के बेड बनाने से इनके बीच की लाइन में पानी देना आसान हो जाता है और इससे फसलों को इक्वली पानी भी मिलता है। यह है प्लास्टिक मल्चिंग। इस तरह की मशीनें भी शायद ही पहले आपने कभी देखी होगी। जब इस मशीन को मिट्टी में चलाया जाता है तो ये मशीन मिट्टी को प्लास्टिक की फिल्म में कवर करते जाती है और साथ ही ये मशीन इन प्लास्टिक फिल्म में होल करके उसमें लगातार बीज भी डालते जाती है। इस तरह से मिट्टी को प्लास्टिक फिल्म में रैप करने से मिट्टी का मॉइस्चर लंबे समय तक बरकरार रहता है, जिससे फसलों को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और इस प्लास्टिक फिल्म के अंदर फसलों को ग्रो होने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलता है। ये है मोबिलर गुली मिक्सर। ये एक तरह की बड़ी मिक्सिंग क्रेन होती है, जिसका इस्तेमाल बायोगैस की स्लरी बनाने में किया जाता है। बायोगैस प्लांट में गोबर और सारे ज़रूरी केमिकल्स को डालने के बाद उसे इस मशीन के जरिए मिक्स किया जाता है। इस मशीन में आगे की तरफ ग्राइंडर लगा होता है, जो कि सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करते जाता है। इस मशीन को रिमोट के जरिए ऑपरेट किया जाता है। इस तरह से इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक बायोगैस स्लरी तैयार होती है, जिससे बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है। यह है बिग बर्ड 747। यह ट्रैक्टर दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर की पावर देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। यह अकेला ट्रैक्टर 10 नॉर्मल साइज ट्रैक्टर के बराबर है। इस ट्रैक्टर की हाइट 14 फीट है और इसमें 1100 हॉर्स पावर का पावरफुल इंजन लगा है और इसमें पीछे की तरफ 21 प्लोविंग अटैचमेंट यानी कि हल लगाए गए हैं, जिनकी मदद से यह ट्रैक्टर महज 2 मिनट में ही 1 हेक्टेयर जमीन को प्लोविंग कर सकता है। और इसमें जमीन पर हल चलाते समय इसकी जमीन पर मजबूत ग्रिप बनाने के लिए इसमें ट्रिपल टायर लगाए गए हैं, जिस वजह से ये जमीन पर आसानी से अच्छी ग्रिप बना पाता है और इतना हैवी वर्क कर पाता है। यह है डिच क्लीनर। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल खेतों के बीच से होकर जाने वाली पानी की नहरों को साफ करने के लिए किया जाता है। हमेशा पानी से भरे होने के कारण इन नहरों के किनारे पर काफ़ी कचरा इकट्ठा हो जाता है और कुछ अनवांटेड घास फूस भी इनमें उग जाती है। इन्हीं को क्लीन करने के लिए इस तरह के बकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये बकेट्स जालीदार होते हैं, जिससे ये कचरे को पानी से अलग करके उन्हें किनारे पर लगाते जाते हैं और लंबे समय तक इन नहरों की सफाई न होने के कारण इनमें धीरे धीरे मिट्टी भी जमा होती जाती है, जिनसे इसकी गहराई भी कम हो जाती है। इसीलिए इस अंदर की मिट्टी को बाहर निकालने के लिए इन ड्रेजिंग पंप का इस्तेमाल किया जाता है। ये पावरफुल ड्रेजिंग पंप इसके अंदर की गीली मिट्टी को बाहर की ओर खींचकर उसे दूर पंप करते जाता है। यह है स्ट्रो मास्टर। यह भी एक कमाल की मशीन है। इसका इस्तेमाल खेतों में मौजूद अनवांटेड घास फूस या फिर फसल काटने के बाद बचे हुए कचरे को खेत से हटाने के लिए किया जाता है। इस मशीन अटैचमेंट की चौड़ाई 42 फीट है और इसमें नीचे की तरफ 2-2 फीट लंबे लोहे के नुकीले कांटे लगाए गए हैं। ये लोहे के कांटे जमीन को खोदते हुए चलते जाते हैं, जिससे कचरा इनमें फंसकर इकट्ठे होते जाता है और अनवांटेड घास फूस भी इसमें फंस जाती है। इस तरह से ये मशीन महज कुछ ही मिनट्स में बड़े बड़े खेतों से कचरा साफ कर देती है। ये है फ्लेम वीडिंग।
इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल खेतों में नई फसल बोने के ठीक पहले किया जाता है, क्योंकि फसल काटने के बाद उनके अवशेष और कई तरह की घास फूस जमीन में रह जाती है, तो उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए इस फ्लेम वीडिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस फ्लेम वीडिंग प्रोसेस में मिट्टी के ऊपर फ्लेम द्वारा हीट डाली जाती है, जिससे मिट्टी में मौजूद मॉइस्चर तुरंत ही खत्म हो जाता है और सारी हरी घास इसमें डेड हो जाती है। ऐसा करने से नई फसल के साथ कोई भी अनवांटेड घास फूस नहीं उगती है, जिससे सारा न्यूट्रिशन नई फसल को मिलता है। यह है ऑक्सबो 4334। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड मर्जर है, जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े घास के मैदान या फिर खेत में उगे हुए अनवांटेड घास फूस को हटाने में किया जाता है। इस मशीन में आगे की तरफ रोटेटिंग रोलिंग ब्लेड्स लगी है और इसके ब्लेड्स की चौड़ाई 40 फीट है। ब्लेड की इतनी चौड़ाई होने की वजह से ये मशीन बड़े बड़े घास के मैदानों को काफ़ी जल्दी क्लीन कर देती है। और इस मशीन में ब्लेड को 3 अलग अलग हिस्सों में बनाया गया है, जिससे इसके इस्तेमाल के बाद इसकी ब्लेड को मशीन पर ही होल्ड करके रखा जा सकता है। और ये मशीन घास को काटते समय एक साइड में इकट्ठा करते जाती है, जिससे इसको बाद में उठाने में काफ़ी आसानी रहती है। यह है रैप 10। ये एक प्लांट ट्रिमिंग मशीन है, जो कि प्लांट्स को एक राउंड शेप देने का काम करती है। इस मशीन को प्लांट्स के ऊपर रखकर उन्हें आसानी से राउंड शेप में ट्रिम किया जा सकता है। यह एक इलेक्ट्रिक मशीन है, जिसे ऑपरेट करना भी काफ़ी आसान है। इस मशीन की ब्लेड को एडजस्ट भी किया जा सकता है। इस मशीन का इस्तेमाल गार्डनिंग में प्लांट्स को डिजाइनर राउंड शेप देने के लिए किया जाता है। यह है मोडेलो A500LSA। ये एक बड़ा वाटर पंप है, जिसे ट्रैक्टर से अटैच करके चलाया जाता है। इस तरह के वाटर पंप का इस्तेमाल नहरों से पानी को मोड़कर खेतों में डालने के लिए किया जाता है। इस पंप के पाइप का डायमीटर 1 फीट है, जिस वजह से ये कुछ ही समय में काफ़ी सारा पानी खेतों में पंप कर सकता है। ये है रॉक किंग 9600। ये भी एक कमाल की मशीन है, जिसका इस्तेमाल मिट्टी में पड़े बड़े बड़े पत्थरों को उठाने के लिए किया जाता है। इसमें आगे की तरफ 3 रोटेटिंग बकेट लगे हैं, जो कि लगातार घूमते हुए इसके पीछे लगे कंटेनर में पत्थरों को इकट्ठा करते जाते हैं। ये मशीन पत्थरों को काफ़ी सफाई से ज़मीन से हटाती जाती है, और जब पत्थरों से इसका कंटेनर फुल हो जाता है, तो इसमें लगी हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से इस कंटेनर को खाली कर लिया जाता है। यह है आयरिश 2500। ये एक स्टोन बैरियर मशीन है, जो कि छोटे छोटे पत्थरों को ज़मीन में छुपा देती है, या फिर कहे तो ये मशीन ज़मीन को रिवर्स करने का काम करती है, यानी कि ये मशीन ऊपर की मिट्टी को नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर करने का काम करती है। इस तरह की मशीन को किसी भी तरह की पथरीली या खराब सतह पर चलाकर उसे एक क्लीन सरफेस में बदला जा सकता है, और इस मशीन की मदद से घास फूस को भी रिवर्स करके उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये मशीन किसी भी तरह की सतह को रिवर्स कर देती है, जिससे उस सतह की खूबसूरती को बढ़ाया जा सकता है और उसे इस्तेमाल के लायक बनाया जा सकता है। यह है टीगल टाइटन। इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में ड्राई कंपोस्ट को स्प्रेड करने के लिए किया जाता है। इसे इस्तेमाल के लिए सबसे पहले इसके कंटेनर में कंपोस्ट भरा जाता है, और फिर इस मशीन को खेतों में चलाया जाता है, और फिर इस मशीन में पीछे की तरफ लगे स्प्रेडर कंपोस्ट को खेतों में बिखेरते जाते हैं। इस मशीन के इस्तेमाल से खेतों में कंपोस्ट एकदम इक्वल क्वांटिटी में फैलता है, जिससे टाइम और लेबर दोनों की ही बचत होती है। यह है इंटर ड्रेन वी प्लो। ये मशीन वाटर पाइपलाइन को अंडरग्राउंड करने का काम करती है, वो भी ज़मीन को बिना खोदे हुए। इस मशीन में आगे की तरफ वी शेप ब्लेड लगाई गई है, जो कि ज़मीन को काटने का काम करती है। ये मशीन ज़मीन को काटते हुए उसमें हाथों हाथ वाटर पाइप डालती जाती है। इस मशीन के इस्तेमाल से काफ़ी तेज़ी से पाइपलाइन को अंडरग्राउंड किया जा सकता है। इस मशीन का ज़्यादातर इस्तेमाल नहरों से खेतों तक पाइपलाइन डालने में किया जाता है, क्योंकि ये मशीन ज़मीन को बिना खोदे ही ये काम जल्दी से कर देती है। यह है जेरियन सैडल ट्रैक। इस मशीन का इस्तेमाल भी नई फसल बोने से पहले मिट्टी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले इस मशीन के टैंक में फर्टिलाइजर की स्लरी बनाकर इसमें भरा जाता है, और फिर इस मशीन को खेतों में से होकर चलाया जाता है। इसमें पीछे की तरफ एक अटैचमेंट लगा है, जिसमें कई सारे छोटे छोटे पाइप लगे होते हैं, जिनमें से होकर ये लिक्विड स्लरी एक फिक्स अमाउंट में ज़मीन पर गिरती रहती है। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल खेतों में काफ़ी तेज़ी से लिक्विड फर्टिलाइजर को डालने के लिए किया जाता है। इस तरह की मशीनों के इस्तेमाल से काफ़ी कम समय में बड़े बड़े खेतों में फर्टिलाइज़र को इक्वल क्वांटिटी में डाला जा सकता है। और इस मशीन में लगे ये अटैचमेंट भी फोल्डेबल हैं, जिससे काम होने के बाद ये मशीन अपने ऊपर ही होल्ड करके रख लेती है।
दोस्तों, क्या ये सभी एडवांस मशीनें भारत में भी होनी चाहिए? इसके ऊपर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।